नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाददाता लाइव। मैं हूं आपके साथ अर्जुन वेदांत। दोस्तों, यूं तो हमारे देश में अनोखे और अद्भुत जगह हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगह हैं जिनके साथ पूरे देश का जज्बात जुड़ा होता है। कुछ ऐसा ही कुशीनगर के एक छोटे से गांव का है, जहां हर एक गली हर एक घर में भारत माता की जय सुनाई देती है। जहां पर पेरेंट्स बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल और जॉनी जॉनी यस पापा सिखाने के बजाय जनगणमन और राष्ट्रगीत सिखाते हैं। जहां देशभक्ति बच्चों, जवानों, वृद्धों के सांसों में बसती है। यह है पूर्वांचल का सबसे ज्यादा आर्मी में कंट्रीब्यूशन करने वाला गांव भटही राजा। हमारे कुशीनगर के सहयोगी चैनल कुशीनगर समाचार की ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। नमस्कार, मैं हूं डीके पांडे, कुशीनगर समाचार के लिए संवाददाता लाइव पर। आज मैं कुशीनगर जनपद के एक गांव भटही राजा में हूं, जो अन्य विधाओं के लिए मशहूर है। इस गांव की अलग अलग खासियत है। पहली खासियत जो आपको बता दें, राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से सम्मानित चंद्रेश्वर प्रसाद शर्मा जी, जिन्होंने इस गांव का नाम रोशन किया। इसके आगे हमने जाना कि इस गांव में 30 से 35 युवा जो सेना के विभिन्न विभिन्न बटालियनों में, हम पता करेंगे कि यहाँ के युवाओं में सेना में ही जाने के लिए इतना उत्साह क्यों है। हम सेना के तैयारी कर रहे लड़कों से भी बात करेंगे, उनके परिवारों से भी बात करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं। जो सेना में जाना चाह रहे हैं, जिनकी इच्छा है कि हम सेना में ही जाएंगे, उनसे मिलवाते हैं, हम बात करवाते हैं कुछ लड़कों से। क्या नाम है बेटा आपका? मंजित कुमार प्रजापति। आप सेना में ही क्यों जाना चाह रहे हैं? इसलिए हम जाना चाहते हैं कि हम देश को रक्षा करेंगे। बहुत है। आपका क्या नाम है? विकास कुमार मदेसिया जी। राजकुमार जी, थोड़ा तेज आवाज में बात करिए। विकास कुमार मदेसिया जी, आप तैयारी में क्या क्या करते हैं? दौड़ ही लगाते हैं या कुछ और भी करते हैं? दौड़ते भी हैं, पढ़ते भी। थोड़ा पढ़ाई तो करते ही होंगे, ये तो जाहिर है, लेकिन दौड़ने के अलावा आप तैयारी में क्या क्या करते हैं? तैयारी में और क्या, बस दौड़ना है और कुछ नहीं। दौड़ना है। आपका क्या नाम है बाबू? पवन यादव। पवन जी, आप जैसे सेना में जाने के लिए कुछ खान पान की विशेष व्यवस्थाएं होती हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, हम कुछ खाएंगे तो हमारे शरीर में और शक्ति होगी, हम जिससे दौड़ और ज्यादा लगाएंगे, तो खाने पीने के लिए क्या आप तैयारी रखते हैं? सुबह हम लोग रनिंग करने के बाद सुबह जाते हैं तो हम लोग चना, गुड़, गुड़ का शरबत और चना हम लोग खाते हैं। फिर शाम को जैसे दाल रोटी सब्जी, इसलिए दूध पीते हैं। शाम को हम लोग दूध पीते हैं, हम लोग स्टेमिना बढ़ता है और हम लोग ज़्यादा रनिंग करते हैं। आप सवेरे कितने बजे आते हैं? 3:30 बजे हम लोग आते हैं रनिंग के लिए। और कितने घंटे तक की आप तैयारी करते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक। शाम को भी आप हमसे मिले, शाम में आपका क्या रूटीन होता है? रूटीन होता है मतलब हम लोग जाते हैं घर तो गुड़ और मतलब रस शरबत बना के पीते हैं लोग, और शाम को केला और बादाम खाते हैं सब। जी चाचा जी नमस्कार। चाचा जी, आपका नाम जानना चाहूँगा मैं। राम अवतार। आपके यहाँ लोग सेना में हैं, आप बताएंगे कि आपके यहाँ सेना में कौन कौन है? हमारे 4 पुत्र हैं, मतलब एक बड़े वाले आर्मी में हैं जी, छोटे वाले SSB में हैं, और तीसरा नंबर BSF में है, चौथा नंबर UPP में। ये सारे लोग सेना में ही क्यों? उन लोग का इच्छा था, हमारा जो है परिश्रम कराते थे कि सेना में भर्ती हो गए देश के सेवा के लिए। अच्छा, आपके चारों बेटे देश के चारों स्तंभ, देश में चारों स्तंभ बन के खड़े हैं जी, आपको कैसा फील होता है? आप गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने आप को? हाँ। चाचा जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बाबूराम यादव है। अच्छा जी, आपकी डिग्री क्या है चाचा जी? मैंने सुना है हमारी डिग्री जो है MA है, राजस्व विज्ञान से जी जी, और MA करने के बाद मैंने LLB में एडमिशन लिया, तो 2 पार्ट किया, उसके बाद हमारी बाया ख़राब हो गई, तो डॉक्टर ने राय दिया कि ईसा की आँख है, आप पढ़ाई छोड़ दीजिए, आप आँख से बढ़कर पढ़ाई नहीं है। इतने सब डिग्रियाँ होने के बावजूद आप सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कांधे पे, सर पे आप गोबर। हम ये सोचे कि गवर्नमेंट जो पढ़ाई
नौकरी संबंध ही रखे। हम कहे कि जब देश का विकास करना है तो गोबर ठोकर किया जाए, अपना मन लगाया जाए। और ये बताइए कि आपके यहाँ लोग सेना में भी हैं, मैंने सुना है। हमारे दो बच्चे सेना में हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, क्या नाम है? एक लग, एक जो टुन्नू मतलब कि मारकंडे कुमार यादव हैं, इसी घर पूंछ में है, पाकिस्तान बॉर्डर पर। जी जी। आ इसी घर एक टुन्नू कुमार यादव हैं जो कश्मीर में है। इतनी वक्त आप लोगों ने सुना होगा कि जय जवान जय किसान। हाँ। आज हमें ये चीज़ देखने को भी मिल गई कि ये किसान भी हैं, इनके दो जवान बेटे हमारे देश के जवान हैं। बड़ा अच्छा लगा चाचा जी आपसे मिलके। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ अगल बगल लगभग 10 जवानों के घर हैं। जवान देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सरकारें, आप देख सकते हैं बदहाली का आलम यहाँ पे, ये पानी जमा हुआ है पूरा, और ये पानी हमेशा जमा रहता है। जवान हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन लोग, प्रशासन इनकी चीज़ें नहीं देख पा रहा है। ये पानी जल जमा हुआ है, ये गंभीर बीमारी डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों को न्योता दे रहा है। हमारा किरण नाम है। आपके यहाँ लोग सेना में बटे, बताइए के बाद सेना में? हमारा लड़का है नीरज यादव, सांबली यादव। और आपके पतिदेव भी तो सेना बने? हाँ, उसी के नाम है। अच्छा, आपके पूरा परिवार सेना में बटे, आपके कैसा फील होला? अच्छा लगता है। अथी आपके परिवार पूरा सेना में बटे, तो आपके कोई दिक्कत ना होला? ना, इससे कि भाई कमाए के तो और भी कुल तरीका बना। हाँ। लेकिन लोग सेना में बटते, हाँ, काहे सेना में बटते? मान ला देश के रक्षा करे खाते। अच्छा अच्छा। हाँ। हमारा नाम राम प्रवेश मदेसिया है। आपके यहाँ सेना में कौन है? हमारे बड़े लड़के हैं। क्या नाम है उनका? राहुल मदेसिया। कितने सालों से सेना में है वो? 5 साल से हैं। हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हम एक सैनिक के पिता से बात कर रहे हैं। जी, आपको कैसा महसूस होता है? हमको ही बहुत गौरवान्वित महसूस होता है, सम्मान की बात है कि हमारा लड़का सेना में देश की रक्षा कर रहा है। आपके कितने पुत्र हैं? हमारे 5 पुत्र हैं। और लोग क्या करते हैं? सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उनका आगे का क्या एम है? हमको ये है कि सेना में सब लोग जाएं। पैसे कमाने के तौर भी तरीके हैं? हाँ, लेकिन जो है देश की रक्षा तो बहुत जरूरी है। आपका क्या नाम है? मनोज कुमार। मैं 2000 में भर्ती हुआ था और 2019 में रिटायर हुआ हूँ। 2019 में रिटायरमेंट, यानी कि जल्दी ही रिटायरमेंट? रिटायरमेंट। लास्ट पोस्टिंग आपकी कहाँ थी? मैं अभी लास्ट पंजाब में था। अच्छा, तो कश्मीर जाने का भी आपको मिला होगा मौका? हाँ, 3 बार मौका मिला। 3 बार मौका मिला है, तो वहाँ पर रहते हुए आपको मिलिटेंट वगैरह से भी सामना होता होगा? हाँ, हुआ है। तो वहाँ पे कभी ऐसा नहीं लगा कि हमको यहाँ आकर गलती हो गई है, आपको वापस घर चले जाना चाहिए? नहीं नहीं, जब सेना में है तो ये सब तो करना ही करना है। जब हमारे को वहाँ भेजा गया है तो देश की रक्षा ही करना है। सेना में आप सेना में जाना क्यों पसंद किए थे? नहीं, देश के लिए, ज़्यादातर जनता देश के अच्छाई चाहती है, इसलिए हम सेना में गए। हमको भी अच्छा लगा सेना में। लोगों को मोटिवेशन देने का काम करते हैं या फिर कुछ समझाने वगैरह का काम करते हैं? हाँ, मोटिवेशन हम भी जाते हैं सुबह उनके साथ, थोड़ा उनको बताते हैं भाई ऐसे रनिंग कीजिए, ट्रेनिंग के बारे में ऐसे ऐसे जो जानकारी होती है उनको देते हैं। तो मित्रों, आज आपको हमने कुशीनगर के भटई राजा गाँव में यहाँ तैयारी कर रहे युवाओं से, उनके परिवारजनों से, इन सबसे मिलवाया और वो सारे तथ्य जानने की कोशिश की कि यहाँ के युवा सिर्फ सेना में ही क्यों जाना चाहते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कुशीनगर समाचार को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारी इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो संवाददाता लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।